भाई कुछ ऐसे हुआ कि एक दिन मैं बैठ के लैपटॉप पे एडिटिंग कर रहा था, जब अचानक मेरा एक दोस्त वीडियो भेजता है मुझे मरी की स्नोफॉल की। ये मेरा दोस्त नहीं है, ये एक रैंडम बंदा है जो स्नोफॉल एंजॉय कर रहा है। अब ये वीडियो देखने के बाद मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था स्नोफॉल देखने का। अब ऐसे भी नहीं है कि मैंने स्नोफॉल कभी देखी नहीं है, बचपन में मैंने बहुत देखी स्नोफॉल व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन द यूएस, बट आफ्टर आई मूव्ड टू कराची यहाँ कहाँ देखने को मिलती है स्नोफॉल, यहाँ तो धूप धूप और धूप ही मिलती है। तो फिर मैंने सोचा काम तो चलता रहता है, मगर अगर थोड़ी सी एंजॉयमेंट आ जाए बीच में इसमें क्या गलत है, तो चले फिर। तो सबसे पहले मैंने निकाला अपना ट्रैवल नेस्ट एयरबैग बाय अल्पाइन बेयर, यहाँ पर मेरा लैपटॉप आ गया, यहाँ पर मेरे चार्जर्स और कैमरा इक्विपमेंट, फिर उसके ऊपर मेरे जैकेट्स, ट्राउजर्स, टी-शर्ट्स, एक्स वाई जेड। अगर आप ये बैग लेकर जा रहे हैं आपको किसी और बैग की जरूरत है ही नहीं, ये बैग पैक हो गया, निकले फिर। अभी भाई यहाँ से चलते थे कितनी दफा मोंटाज दिखाओगे, आगे करो उसको। बस बस बस। तो हमारी फ्लाइट थी 9 बजे की, 11 बजे हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे और हम निकले मरी की तरफ। इस्लामाबाद टू मरी तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, बट एज यू कैन सी रास्ते में इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, बर्फ बर्फ जबरदस्त बर्फ, बर्फ ही बर्फ। अच्छा मैं भी थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ, लेट मी कूल डाउन अ बिट। जो 2 घंटे का रास्ता वो तकरीबन 2.5 घंटे का हो गया था, तो हम 1:30 बजे होटल पहुंचे और हम सो गए, क्योंकि इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद बंदा थक ही जाएगा ना। भाई होटल में रुकने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। मैं हमेशा रात में सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के सोता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट नहीं मिस करना होता है। मतलब नींद तो कभी पूरी हो सकती है, बट कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट सिर्फ 10 बजे तक होता है। तो चलें ब्रेकफास्ट करने, आ जाओ। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे, तो ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, तो चलें हैवी ब्रेकफास्ट करने। इतने मजे का नाश्ता और ये गरम गरम चाय पीने के बाद क्या नींद आई थी। अरे जैसे तुम क्या कर रहे हो? यार 1-2 घंटे का नैप ले लो। 1-2 घंटे? यार पता भी है तुम्हें 5 बजे अंधेरा हो जाता है, क्या अंधेरे में घूमेंगे हम लोग? यार इसका तो उठना पड़ेगा अभी। हाँ तो इतना प्यारा व्यू कौन मिस करता है भाई, फौरन उठो। यार ये बिस्तर इतना नरम है, दिल्ली नहीं जा रहा उठने का। मगर क्योंकि हम लोग बर्फ देखने आए हैं, घूमने आए हैं, तो उठना तो पड़ेगा। चलो उठते हैं फिर। अरे भाई तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुए, तो क्या बंदा बाथरूम नहीं जाए क्या? अच्छा जल्दी करो। अब क्या जल्दी करूं? अच्छा एक काम करो, मेरे कपड़े रखे हुए सोफे पे, वो मेरे ऊपर फेंक दो। हैं? वो क्यों? हाँ मेरे ऊपर फेंक दो ना, वो टिकटॉक में ट्रांजिशन होता है, किसी के ऊपर कपड़े फेंकते हो तो वो कपड़ों में आ जाता है, तो अच्छा होगा ना, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी में हो जाएगा। Are you sure? हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। अच्छा यार ये क्या हुआ? अच्छा रिदा को एक छोटा सा मसला है मुझसे, वो रिदा बताओ क्या मसला है? मैं यहाँ सर्दी से मर रही हूँ और तुम सिनेमैटिक्स बना रहे हो, तो व्लॉग में अच्छा लगता है ना? मैं जा रही हूँ। यहाँ से जो व्यू है ना, इट्स ट्रूली अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल यार, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अभी रिदा सेल्फी ले रही है, अभी स्नोबॉल मारता हूँ उसको मैं। ये यहाँ पे ये बन जाए। क्या
जैसी यार, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। यार स्नोबॉल फाइट अकेले खेलो तुम। यार मैं अकेले कैसे करूंगा स्नोबॉल फाइट, मतलब अपने मुंह पर मारूंगा मैं। अच्छा सुनो, अरे अच्छा सॉरी, अच्छा सुनो, हम लोग आए हुए माल रोड मरी, सोचा थोड़ा शॉपिंग कर लें, तो लेट्स एक्सप्लोर। तो भाई अंधेरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और सर्दी भी बढ़ रही है, तो क्यों नहीं चाय हो जाए, क्यों है? चाय तो बनती है ना सर्दी में, क्यों नहीं। रिजा ये क्या कर रही हो तुम? रिजा चाय पी रही हो? तुम तो चाय नहीं पीती थी। हाँ तो सर्दी में चलता है। अच्छा, हाथ गर्म करने के लिए। वाह भाई। और ये था हमारा छोटा सा स्नो गेटअवे। आई होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग। बाकी अल्लाह हाफिज़।